देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. बीजेपी की वरिष्ठ नेता और देश के मुखर आवाज सुषमा स्वराज का निधन, भारी मन से सभी ने दी अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की विधिवत मंजूरी, श्रीनगर में सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। पाकिस्तान में लगे भारत के समर्थन में पोस्टर, इमरान खान की सरकार बौखलाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर, बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है अभी मजबूत सिस्टम। और बड़वानी में राजघाट का पुल डूबा, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने किया अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पूर्व विदेश मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता 67 वर्षीय सुषमा स्वराज का मंगलवार की देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार की रस्मों को उनकी बेटी बांसुरी ने पूरा किया। राजकीय सम्मान के साथ सुषमा जी को अंतिम विदाई दी गई। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति का ध्रुव तारा थी, उनकी कमी सभी को खलती रहेगी। सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई देने के लिए लोधी घाट शमशान घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री समेत कैबिनेट मंत्री और विपक्षी दलों के सभी नेता मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले पूर्व विदेश मंत्री को राजकीय सम्मान दिया गया और इनकी पार्थिव देह को तिरंगे में लपेटा गया। इस दौरान उनके पति और बेटी उन्हें अंतिम सलामी देते नजर आए। इससे पहले सुषमा स्वराज की पार्थिव देह भाजपा मुख्यालय में रखी गई, जहां बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले सुषमा स्वराज की पार्थिव देह 12 बजे तक उनके आवास रही, जहां लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इससे पहले सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुषमा स्वराज को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुषमा स्वराज के आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी सुषमा स्वराज के आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुषमा स्वराज के निधन की खबर से ही पूरे देश में शोक छा गया। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके आवास पर पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं का तांता लग गया और सभी ने उनके अंतिम दर्शन किए। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक 96 वर्षीय महाशय धर्मपाल गुलाटी भाजपा मुख्यालय पहुंचे और यहां सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा को श्रद्धांजलि देते वक्त धर्मपाल गुलाटी खुद की भावनाओं पर काबू नहीं कर सके और भावुक होकर रोने लगे। सुषमा के जाने का गम उनके आंसुओं में साफ नजर आ रहा था। सुषमा स्वराज जी के निधन की खबर बड़ी दुखद खबर थी कि मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध था। केवल संबंध नहीं था, एक भाई बहन का संबंध था। और जब मैं केंद्र में संसद कार्य मंत्री था और वे प्रतिपक्ष की नेता थी, प्रतिपक्ष की नेता लोकसभा में थी, लगभग रोज उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का, उनके साथ विवाद करने का मुझे मौका मिलता था। विवाद होते थे, उनका नज़रिया दृष्टिकोण बहुत सारी चीज़ों में अलग होता था, पर एक खूबी थी, जो भी हमारे मतभेद होते थे लोकसभा में, हम बड़े प्यार और सरल तरीके से इसका सामना करते थे। मैं मानता हूँ कि एक केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं, पर केवल समाज सेविका हमारे बीच में नहीं है।
सुषमा स्वराज के निधन के साथ एक विडंबना यह रही कि कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ट्वीट कर मंगलवार को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बताया था। एक अन्य विडंबना यह भी है कि दिल्ली ने एक माह के भीतर दो पूर्व महिला मुख्यमंत्रियों को गंवा दिया। 20 जुलाई को शीला दीक्षित का निधन हो गया था। मंगलवार शाम को केंद्र सरकार को ट्वीट कर अनुच्छेद 370 हटाने पर बधाई देने के ही कुछ घंटों बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक उन्हें बेहद नाजुक हालत में एम्स में देर रात 10:15 बजे भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन देकर उनकी हालत स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों की कामयाबी नहीं मिली। करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। पिछली लोकसभा में मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी सुषमा स्वराज ने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते ही वर्ष 2019 में आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने अप्रैल 2016 में एम्स से ही किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। एक तो ऐसा हुआ, आज का दिन ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ा आनंद हमने मनाया धारा 370 का, और उसकी बात हम सोच ही रहे थे तो ये एक ऐसा हुआ कि जैसा सिर पे पत्थर गिर गया। ऐसा बड़ा नुकसान आज देश का है। एक तरफ आनंद है तो एक तरफ ये इस प्रकार का दुख भरी कि जो पूरे जीवन में मैं कहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती तो बहुत ही थी, मेरे से उम्र में छोटी थी लेकिन कर्तृत्व में बहुत पड़ी थी सुषमा जी, और मेरी अच्छी मित्र तो थी ही। यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज़ है, ये बोलने का तरीका, जब बात रखती थी भारत की तो दिल से जिसको हम कहते हैं ऐसा वो बोलती थी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने की विधिवत मंजूरी मिलने के बाद श्रीनगर में सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। पिछले दो दिनों की कवायद के बाद आखिरकार आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के अलावा राज्य के पुनर्गठन के बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रोविजन से हटाने की घोषणा कर दी, और इसी के साथ 70 सालों बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। श्रीनगर में सचिवालय पर राज्य के झंडे के साथ बड़ी शान से तिरंगा फहराया गया और बहती हवा में लहराता भी नजर आया। इस ऐतिहासिक मौके का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक राज्य का अपना अलग संविधान और झंडा था, लेकिन अब राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसकी विधायिका भी होगी। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को हटाने वाले संकल्प को राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के क्लॉज 1 के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए अधिकार के आधार पर राष्ट्रपति संसद की रिकमेंडेशन पर यह घोषणा करते हैं कि आज यानी 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी क्लॉजेस प्रभाव में नहीं रहेंगे। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में अखंड भारत के पोस्टर लगे मिलने के बाद पाकिस्तानियों में बौखलाहट बढ़ गई है। वो सिर पीट रहे हैं कि आखिर भारत की तारीफ करने वाले ये पोस्टर पाकिस्तान में आए कैसे। दरअसल भारत सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर दिया है। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था, आज कश्मीर लिया है, कल बलूचिस्तान और पीओके भी ले लेंगे, मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान के पीएम अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे। संजय राउत के बयान वाले पोस्टर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुख्यालय के सामने लगाए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिक इस पोस्टर्स को देखकर सिर पीट रहे हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक साजिद ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं, हमारे मुल्क में, हमारे ही शहर में, हमारी ही आंखों के सामने अपने पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक ये पोस्टर लगे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर ये पोस्टर लगे हैं।
भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के एक दिन बाद ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अलग अलग इलाकों में शिवसेना सांसद संजय राउत के संदेश वाले पोस्टर लगाए गए। इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के समर्थकों ने इस पोस्टर को लगाया है। रिजर्व बैंक ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कटौती की है। इस बार इसमें 35 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। इसके बाद आम लोगों को ईएमआई में कुछ राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट 0.35% की कटौती का ऐलान किया है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी नीति समीक्षा के लिए बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। यह लगातार चौथी बार है जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले रिजर्व बैंक लगातार 3 बार में रेपो रेट 0.75% घटा चुका है। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद रेपो रेट 5.75 से 5.40 के स्तर पर आ जाएगी। वहीं रिजर्व रेपो रेट भी 5.15 के स्तर पर आ जाएगी। इसका सीधा असर लोन चुकाने वालों की ईएमआई पर नजर आएगा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन जोरदार बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में अभी मजबूत सिस्टम बना हुआ है, जिसका असर पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। रायपुर समेत प्रदेश भर में बारिश लगातार हो रही है। अगले 2 दिन तेज बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बन रहा है, इससे प्रदेश के कई संभागों में अति भारी बारिश होगी। इस दौरान रायपुर में अधिक बारिश होगी। प्रदेश में अभी मानसून भी सामान्य रहा है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। रायपुर में अभी तक 326.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि औसत 585.2 मिलीमीटर बारिश अब तक हो जानी चाहिए थी। प्रदेश के कई इलाकों में, खासकर मैनपाट में 5 सेंटीमीटर, सूरजपुर में 4 सेंटीमीटर, कटघोरा, कोटा, लखनपुर, जशपुर नगर, उसूर, सीतापुर, कोरबा, सुकमा, भैरमगढ़, बीजापुर, तपकरा, पौड़ी, उपरोरा, कोटा में 2 सेंटीमीटर और गीदम, मनोरा, कांसाबेल, कुनकुरी, उदयपुर, बोडला, ओरछा में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। सुकमा में शबरी नदी उफान पर है और कोटा इलाके में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चल रही है। नक्सल प्रभावित सुकमा इस समय नई मुसीबतों से दो दो हाथ कर रहा है। इस इलाके में हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुकमा जिला मुख्यालय के साथ ही सुकमा जिले की कोटा तहसील जलमग्न हो चुकी है। यहाँ शबरी नदी पूरे उफान पर है। आलम यह है कि शहर में ही वोट के सहारे शासकीय कर्मचारी और आम आदमी आना जाना कर रहे हैं। ये मोटरबोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही है। बस और कारें 20 सड़क पर ही बंद होकर खड़ी हो गई हैं। इलाके का संपर्क चारों दिशाओं से कट चुका है। बड़वानी में राजघाट का पुल डूब गया है। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन ने अनिश्चित कालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि सरदार सरोवर के गेट खोले जाएं ताकि लोग इसकी डूब में ना आए। नर्मदा नदी पर बना राजघाट का पुल डूब गया है। यहां जल स्तर 127.500 मीटर पर पहुंच गया है। बड़वानी और उसके आसपास लगातार बढ़ते नर्मदा के जल स्तर के बीच नर्मदा बचाओ आंदोलन ने राजघाट में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। ये सभी सरदार सरोवर बांध के गेट खोलने की मांग कर रहे हैं। बांध के गेट नहीं खुलने तक सत्याग्रह जारी रहेगा। बड़वानी राजघाट में नर्मदा बचाओ आंदोलन का यह आकस्मिक डूब को लेकर सत्याग्रह शुरू हुआ है। जिस बांध से लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, उस बांध में हम लोग कितना योगदान दे दे और कितना नहीं, ये तो अनिश्चितकालीन है। अब पानी को पूछिए, माता नर्मदा को पूछिए कि वो क्या चाहती है। समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़ आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जवानों को स्मार्ट बनाने के लिए भोपाल पुलिस ने नया प्रयोग किया है। भोपाल पुलिस कर्मी अब कंधे पर पुलिस वार्निंग फ्लैश लाइट लगाएंगे। इसके जरिए लोगों को पुलिस की उपस्थिति का पता चल सकेगा। भोपाल पुलिस को विदेश की तर्ज पर स्मार्ट बनाने एवं फील्ड में पुलिस की उपस्थिति दर्शाने आईजी भोपाल योगेश देशमुख और डीआईजी इरशाद वली दोनों ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस वार्निंग फ्लैश लाइट को लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मोहल्ले, कॉलोनी और चौराहों पर पुलिसकर्मी की उपस्थिति दिखाना है। फ्लैश लाइट से न सिर्फ पुलिस की मौजूदगी दिखेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति में भीड़ भाड़ वाले स्थानों, अंधेरे या अन्य स्थानों पर आम जन बड़ी आसानी से पुलिस तक पहुंच जाएंगे। फ्लैश लाइट के कारण लोग काफी दूरी से पुलिस की उपस्थिति का एहसास कर पाएंगे, जिससे वो अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा पुलिस की फ्लैश लाइट से आपराधिक या असामाजिक तत्वों में भय व्याप्त हो जाएगा, जिससे वे कोई भी घटना करने से डरेंगे। फ्लैश लाइट को जवान रात्रि गश्त, रात्रि वाहन चेकिंग आदि ड्यूटी के दौरान लगाए रखेंगे। यही नहीं, पुलिस जवान भी हाईवे में रात्रि चेकिंग के दौरान वाहन दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। इस फ्लैश लाइट को ट्रायल के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने पर एवं उपयोगिता के आधार पर व्यापक स्तर पर सभी थानों के पुलिस कर्मियों को फ्लैशलाइट से लैस किया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस ने श्रम पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी मकान का नक्शा और टैक्स नहीं भरने के बदले 7,000 की रिश्वत मांग रहा था। खरगोन में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने श्रम पदाधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 नारायण ब्राह्मणे को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को कार्यवाही के लिए सर्किट हाउस ले जाया गया। कर्मचारी ने फरियादी जय नारायण गुप्ता से मकान का नक्शा और टैक्स नहीं भरने के बदले 7,000 की रिश्वत मांग की थी, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अधिकारी को 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। मेरा एक बच्चा बिजनेस डॉक्टर है, वो नीचे क्लिनिक चल मतलब कंसल्टेंट डॉक्टर है, कंसल्टेंट मतलब वो देसा मरीज को रवाना करना, तो वो नीचे रहता, ऊपर हमारा निवास है, सब पूरा परिवार वहीं रहता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मैप चाहिए संचालन का, संचालन का बोला सर मैप उस समय चलते नहीं थे, मकान बनाया, मैंने फोटो भी बताई, ये बस मकान बना हुआ जब था वो सुनने को तैयार नहीं। ऑफिसर खरगोन से उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ था कि जो है आपने जो नया निर्माण किया है और टैक्स से संबंधित था वो पत्र, तो इसका टैक्स जमा नहीं किए हैं और अनुमतियां नहीं ली हैं। इस संबंध में वो जब लेबर ऑफिसर से आके मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी अपनी समस्या रखी तो डीलिंग क्लर्क है नायब ब्रह्मणे, उनसे मिलने को कहा। जब वो नायब ब्रह्मणे से मिले तो वो नायब ब्रह्मणे ने उनसे कुछ रिश्वत की मांग की, जिसके संबंध में उन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक महोदय इंदौर लोकायुक्त को जो है शिकायत करी। उनकी शिकायत पर 3-5 मंडे को, कितनी तारीख, 5 अगस्त मंडे को जो है रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग सही पाने पर जो है आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और लेबर ऑफिस में पदस्थ नारायण ब्रह्मणे सहायक ग्रेड 2 को आज 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अस्पताल में समुचित इलाज और सुविधाएं नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। छतरपुर अस्पताल में डॉक्टर्स की लेट लतीफी से परेशान होकर मरीजों ने चक्का जाम कर दिया है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों की समस्या समझी, तब लोगों ने चक्का जाम खत्म किया।
छतरपुर में जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की लेट लतीफी से परेशान होकर मरीज सड़क पर उतर आए हैं और उसके बाद इन मुसीबत ज्यादा लोगों ने अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया है। अस्पताल में महिला डॉक्टर सहित कई डॉक्टर कभी समय पर अस्पताल नहीं आते हैं। महिला डॉक्टर के ना होने से उपचार करवाने आए महिला मरीज नाराज हो गई और उन्होंने अस्पताल के सामने चक्का जाम कर दिया। सरकार देती है महिलाओं को देखने के लिए, ये पैसे किस बात के ले रही है? एसी में बैठने के, एसी में बैठ के ये आराम करे, हम लोग गर्मी में बैठे, हम लोग गर्मी में बैठे, प्रेग्नेंट हम दिखवाने के लिए आए, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि प्राइवेट दिखवाए। सर हम 9 बजे के आए, अपनी बच्ची छोड़ के आए सर 2 साल की, सर सभी प्रेग्नेंट और सबको दिक्कत देगी, ये बताओ कब तक बैठे रहे हम लोग? सर चाहते हैं मैडम, जब कहते हैं कि 9 बजे आ जाती है तो क्यों नहीं आई अभी? रोज कहती है आजकल आजकल कल आना आ जाना, सर जब तक नहीं आएंगी मैडम जब तक लगा रोज जाम लगा लिया। प्रेगनेंसी है और सुबह से दर्द हो रहा है, यहाँ 9 बजे से बैठे कोई भी मैडम नहीं। एक नर्स से पूछा तो बड़ी बदतमीजी से बात करती है, हमें नहीं पता कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हेलो, और सुषमा मैम को दिखाने गए तो वो कहती बच्चों वालों को हम नहीं देखेंगे। जाम लगने के बाद पीड़ित महिला मरीजों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं की शिकायत पर लेट लतीफ डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम खुल सका। यहाँ सचेत किया गया है कि समय पर आए और इस प्रकार की परिणति या इस प्रकार की अव्यवस्था बाद में ना फैलने पाए, उसके बाद भी यदि कारण सुधार नहीं होगा तो कठोर कार्रवाई भी की जाए। पुलिस लिखी एक गाड़ी में गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने करीब 3 क्विंटल गांजा समेत वाहन को जब्त कर लिया है। आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर में पुलिस लिखी एक गाड़ी में गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। गौरेला पुलिस ने करीब 3 क्विंटल गांजा समेत वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक पुलिस वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई थी, तभी थाने में पदस्थ महेंद्र परस्ते और पिंडरा थाना आरक्षक दीपक पांडे ने संदिग्ध वाहन को तीव्र गति से आते देखा, जिसकी जानकारी गौरेला थाना प्रभारी दिनेश कुर्रे को दी। थाना प्रभारी ने अपनी टीम बनाकर 30 किलोमीटर दूर पीछा करते हुए खैर झिटी में वाहन एवं आरोपी को पकड़ा। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने बताया कि गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। घरेलू विवाद को लेकर गुस्से में पति ने पत्नी के सिर पर सिलबट्टे से हमला कर दिया। हमला करने के बाद पति ने खुद को भी कोतवाली पहुंचकर पुलिस के हवाले कर दिया। यह मामला दमोह का है। दमोह के देहात थाना क्षेत्र की सुभाष कॉलोनी में रहने वाली महिला चांदनी बंसल की उसके पति बालचंद्र बंसल ने देर रात सिलबट्टे से सिर पर हमला कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति खुद ही कोतवाली पहुंचा। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी दौरान गुस्से में आकर पति ने सिलबट्टे से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला देहात थाना क्षेत्र का होने के कारण कोतवाली पुलिस ने आरोपित को देहात थाना क्षेत्र की चौकी जबलपुर नाका भेज दिया। सूचना मिलने के बाद देहात थाना TI HR पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा बनाकर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद लोगों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की है। सिंधी समाज ने इसे विजय दिवस के रूप में मनाया। समाज ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस साहसिक फैसले पर धन्यवाद दिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही संपूर्ण देश में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हर भारतीय इस ऐतिहासिक निर्णय को जश्न की तरह मना रहा है। सिंधी सेंट्रल पंचायत ने ईदगाह हिल्स स्थित शहीद गेट पर राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर देशभक्ति के गीत गाकर सभी नगर वासियों को बधाई दी। शहीद गेट पर ढोल धमाकों के साथ केक काट कर व मिठाई बांट कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष भगवान देव इसरानी ने कहा कि भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले से देश आज वास्तविक रूप से आजाद हुआ है। पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति धर्म समाज का हो, आज वह गौरव का अनुभव कर रहा है। भोपाल का सिंधी समाज इसे विजय दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि सिंधी समाज ने ही विभाजन के समय सबसे ज्यादा बलिदान देकर इस दर्द को सहा है। आज मुझे बहुत खुशी है जब आज बहस के दौरान गृह मंत्री ने यह कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, तो उसमें अक्साई चीन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है। हम इसको पूरा करके रहेंगे और इसके लिए जरूरत होगी तो प्राण भी देंगे।
15 अगस्त 1947 को जो जश्न मना, उस जश्न की अगर पूरी देखा जाए तो एक तरह से फिर से वही जश्न रिपीट हुआ। और जब जो 370 और 35 लगी थी उसके कारण कश्मीर से हमको अलग किया जा रहा था, हम नारा लगाते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी एक नहीं थी। लेकिन धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद है अमित शाह जी को, धन्यवाद है भारत की पार्लियामेंट को, धन्यवाद है लोकसभा को, धन्यवाद है राज्यसभा को, धन्यवाद है हिंदुस्तान के नागरिकों को कि अब वो नारा सार्थक हुआ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। इस अवसर पर उपस्थित सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि अभी तो आधा ही कश्मीर लिया है, बाकी का बचा हुआ कश्मीर भी भारत का ही है और जल्द ही पाकिस्तान से बचा हुआ कश्मीर भी वापस लेंगे। अब एक अच्छी खबर, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने जेपी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश के पहले मदर मिल्क बैंक का उद्घाटन किया। मिल्क बैंक में महिला दूध दान कर सकेंगी, दान किए गए दूध को उन नवजात शिशुओं को दिया जाएगा जिनको किसी कारणवश मां का दूध नहीं मिल पाता है। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में एक अच्छी पहल की शुरुआत करते हुए मदर मिल्क बैंक का उद्घाटन किया गया। मदर मिल्क बैंक पहला ऐसा बैंक है जहां महिलाएं दूध दान कर सकेंगी, दान किए गए दूध को नवजात शिशुओं को दिया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग उन माओं का जीवन भर ऋणी रहेगा जो दूध दान कर नवजात शिशुओं को जीवन दान देंगी। सिलावट ने डॉक्टरों की सराहना करते हुए कहा कि ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने समय समय पर लोगों की जान बचाई है। अच्छा कदम उठता है, कुछ रुकावट कुछ अड़चने आती हैं, ये वही डॉक्टर हैं। जब पूरे देश में हड़ताल चल रही थी, मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल में, शासकीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दी हैं जो बीमार था, तो सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं। और रही कुछ डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, मैंने कहा धीरे धीरे समय दो, जो दिक्कत हो जो समस्या हो उसका निदान अवश्य कर दो। HDC जो कि एक ऐसा अभी वो ICU बनाया है जिसमें मैं समझता हूँ कि जो गंभीर स्थिति गर्भवती महिलाएं उनको हर तरह का इलाज इस अस्पताल में मिलेगा, उनको सुल्तानिया या दूसरे जलाला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और ये बच्चों को जो दूध मिलेगा, जो संग्रह दूध माओं का जो दूध बच जाएगा जो संग्रहित होगा, उससे 22% कम होगी जो बच्चों की बढ़ गई है, बच्चे जन्म के बाद जो उनकी डेथ हो जाती है वो बचेंगे 22%। ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा काम। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है, दूध में मिलावटखोरी को बंद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। शर्मा ने कहा कि बच्चों को इससे स्वस्थ दूध मिल सकेगा, माएं भी स्वस्थ रहें, इसके लिए हर तरह का इलाज इस अस्पताल में मिलेगा। अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस देने की घोषणा भी पीसी शर्मा ने उद्घाटन के दौरान की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ, मैं हूँ जर्जर भोपाली। कुछ दिन पहले कल्याण भाई मेरे से बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कश्मीर में, कुछ ऐसा फटने वाला है, बम यो वहाँ पूरी मिलिट्री पहुंच रही है, वहाँ के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे को लग तो रहा था कुछ होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा होने वाला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो कल भैया राज्यसभा में बिल पेश हो गया, धारा 370 हटा दी अमित शाह ने। बताओ ये सब बड़ा धमाका, जो 70 साल से जो गलती चली आ रही थी उसको एक दिन में खटाक से इन्होंने निपटा दिया। और मैं बता रहा हूँ इस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बिल बिलाए फिर रहे हैं, इनमें कोई संपट नहीं बैठ रही, क्या बोलें क्या सपोर्ट करें इसका क्या करें। कुछ कांग्रेस के नेता सही बात बोल रहे हैं, बोले देश में ये अच्छा हुआ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में एक ही कानून चलेगा, और वहाँ की बेचारी लड़कियाँ अगर दूसरी जगह शादी कर लेती तो उनकी प्रॉपर्टी में कोई रिश्तेदारी नहीं रहती थी। अब ये कोई लोकतांत्रिक चीज़ें हैं क्या? और वहाँ के कश्मीर के नेता बोल रहे हैं कि अलोकतांत्रिक फैसला है, ये है वो है, कोर्ट में जाएंगे। और मैं बता रही ये सब भाई लोकतंत्र की चीज़ें थी क्या? ये किसी को विशेष अधिकार, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है।
और मैं बता रही हूँ अब क्या हो गया वहाँ, अब दिल्ली जैसा माहौल हो जाएगा वहाँ, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी इनमें खूँ 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 चलती रहती है, वो एलजी पावरफुल रहेगा, हाँ उसकी चलेगी ज़्यादा, वो ताकतवर रहेगा। और पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है, बेवजह चिल्लाया जा रहा है, मुनमुनाया जा रहा है, बिलबिलाए जा रहे हैं, अरे तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारे देश का मामला है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम चंद्रयान पे पहुंच गए। मैं कह रहा हूँ भैया तुम्हारे फाँके पड़ रहे हैं, पेट की जनता का इंतजाम करो, भूखों मर रहे हैं लोग उनका इंतजाम करो, उसके बारे में सोचो, हमारी चिंता मत करो, बेवजह फटे में टांग मत अड़ाओ। हाँ बता रही हूँ, वो आजकल एक मोदी जी का फोटो चल लिया है, वो उन्होंने लाल किले पर तिरंगा फेरा है तो बहुत दिनों पहले, हाँ वो फोटो बहुत दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, छाया हुआ है, बता रही हूँ। वो मैं बता रही हूँ, ये आदमी देखो पहले दृढ़ संकल्प किया था इन्होंने धारा 370 हटाने का उस वक्त, और वो उन्होंने करके दिखा दिया, बता रहा हूँ, ये काम कहलाते हैं, बता रही हूँ। और पूरे देश में बता रहे हूँ बाढ़ के हालात बने हुए, कई जगह बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी तिरंगा लेकर लोग खुशी मना रहे हैं, वे ऐतिहासिक काम हुआ है देश में बहुत सालों बाद, बता रहे हूँ। वो कांग्रेस के नेता तो ये थे फड़फड़ा रहे हैं, बता रहे हूँ, वो फारूक अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं ये लोकतांत्रिक हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, और मैं बता रही हूँ कई नेता को तो अभी जेल में ठूसे जा रहा है, ये वो उनके जो अपराध हैं, इनके जो मोनोपोली चल रही थी कश्मीर में, इनकी दुकानें चल रही थी, सबकी बंद होने वाली है। हाँ मैं भी जाऊँ भैया, मेरे भी दुकान खुलने का टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lncetu.ac.in.